अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं सलाद। कई तरीके के सलाद बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक गुजराती कचुम्बर सैलेड कहते हैं इसको। बहुत आसान है बनाने में और खाने में मज़ेदार है, तो वही बना लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास ये थोड़ी सी सब्जियां हैं। एक गाजर ली है हमने, उसको पील कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसमें लगा लेते हैं एक कट और हम इसको महीन महीन काटेंगे। और हमने ये प्याज ली है और पहले ही प्याज डाल देते हैं कोरमे वाली तरह, बिल्कुल इस तरीके की। ये लंबे लंबे स्लाइस वाली प्याज आपकी होनी चाहिए। यूँ खोल लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी रहेगा हमारा। ये एक हमने खीरा ले लिया है, खीरे को भी आप इस तरीके से छील लीजिए छुरी से किसी भी चीज़ से। और हम काटते हैं इसको भी थोड़ा सा मिलता जुलता सा इसी वाली शेप में जैसा कि हमने काटी है प्याज। तो हमने एक गाजर ली है जो हमने छील ली है, इसमें से हम लगा लेते हैं कट। तो थोड़ी सी वैसी छुरी लें जो कि बहुत तेज़ ना हो, तो पहले हम इसे यूं काट लेते हैं और फिर हम इसमें से काटते हैं थोड़ी तेज़ वाली छुरी से इसको लंबी वाली शेप में। तो बस गाजर के जैसा ही काटें, थोड़ा महीन महीन ही काटें तो ये अच्छा लगेगा। बिल्कुल इसी शेप में हम ये खीरा भी काटेंगे, इस तरीके से काट लेते हैं पहले। और बस इसके बाद इसको भी हम लंबा लंबा इसी तरह काट लेंगे। हल्का सा खीरा हमने लंबा ही लिया है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। खीरे का बीज हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। खीरे की जगह वहां पर काकड़ी यानी कि ककड़ी डलती है, तो बस ये हम क्या करते हैं, एक टमाटर ले लिया है हमने, थोड़ा टाइट सा ही टमाटर ले लें आप, वैसा बिल्कुल पका हुआ टमाटर होना चाहिए। इसको भी हम खीरे की तरह ही लंबा लंबा सा काटेंगे, ये देखें। और लाल गाजर का मौसम है तो आप वो भी ले लीजिए। चाट मसाला डाल देते हैं, क्वार्टर टी स्पून लिया है हमने। वैसा आप इसके अंदर दो चुटकी पिसी हुई नमक और खाली पिसी हुई मिर्च डाल सकते हैं, दो तीन चुटकी, और दो तीन चुटकी ही इसमें नमक डाल दें तब भी आपका ये तैयार हो जाएगा। चाट मसाला नहीं डालना चाहें जब भी। क्वार्टर टी स्पून चाट मसाले के बाद दो चुटकी हम इसमें नमक डाल देते हैं। बड़ा नींबू है हमारा, इसलिए हमने ये आधा नींबू ले लिया है, बस इसमें आधे नींबू का रस काफ़ी रहेगा। सैलड ज़्यादा बना रहे हैं आप तो आप ले लीजिए एक नींबू। और आप ये देखेंगे हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, लेकिन असली जो ये हमारा कचुम्बर होता है सैलेड, इसको अच्छे से हाथ से मिक्स किया जाता है, थोड़ा सा दबा दबा के मिक्स किया जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा किरंची और इस तरीके का खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं। और नींबू का रस डालते ही प्याज भी और ये टोमेटो भी अच्छे से थोड़े और भी ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। तो ये हमने मिक्स कर दिया। थोड़ी सी हम इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ और डालते हैं अपनी तरफ से। बस ये कोथमीर के तड़के के साथ तो हो जाएगा बढ़िया। बस इतना ही ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं। मिक्स करते हैं। गोल गोल प्याज काट ली है, गोल गोल ही हम ये खीरा काट लेते हैं और बस सजाते हैं। और हाँ, एक हमने गाजर ली है, वो भी हमने गोल गोल काट लिया है। हम आपको सबसे पहले बताएंगे बिल्कुल जो सब आपके लिए बहुत आसान हो, उसके बाद बताएंगे हम आपको बहुत बढ़िया वाला। तो हम ये साइड में रख देते हैं पहले। ये प्याज ले लेते हैं और एक ही बिल्कुल गोल ही हमने टमाटर काटा है ये ले लेते हैं। और इसके बाद हम ले लेते हैं ये एक खीरा और इसके ऊपर रख लेते हैं ये हमने गोल गाजर काटी है, बिल्कुल इस तरीके से रख लेते हैं। फिर से एक प्याज और फिर से एक टमाटर और फिर से एक इसके ऊपर खीरा। बहुत ही आसान है ये सजाना। और बस इसके ऊपर फिर से ले लेते हैं एक ये गाजर और जो जगह बची है उसमें देखते हैं क्या करना है। हमने एक गाजर ली है, इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है जिस तरीके से हरी मिर्च कट करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। हरे धनिया के पत्ते पत्ते लिए हैं हमने, धो लिया है और यूं हरा धनिया रख देते हैं। ये भी हमारी रिक्वेस्टेड ही है, हमारे व्यूअर्स ने कहा कि आप हमें सैलड बताएं किस तरीके से तैयार किया जाता है। मैंने कहा वो तो हम डेली बनाते हैं। तो ये देखें, हल्का सा हरा धनिया ऐसा रखें ताकि ये दिखता रहे। हरा धनिया भी खा सकते हैं और ये वाला जो सलाद है इसके अंदर आप एक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, हमने इसलिए नहीं डाली है। तो ये वाली प्लेट भी देखें आप, हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब क्या करते हैं, एक और प्लेट करते हैं तैयार। एक गाजर ले ली है हमने, उसे हमने छील लिया है यहाँ से और यहाँ से कट कर लिया है। अब हम इसमें से उतारते हैं इसके थोड़े से लंबे लंबे से पीस जो कि थोड़ा सा हम दबा कर निकालेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा पतला है, इसे हटा देते हैं। थोड़ा सा इससे हमें चौड़ा पीस चाहिएगा, एक दो पीस आप किस तरीके के आएंगे, हमारा एक ही आया है इसे हम साइड रख देते हैं। बस ये हमें ऐसे पीस चाहिए, थोड़ा सा लें आप और यूँ करके इसको थोड़ा सा दबा के लेना है ताकि हमारा पीस अच्छे से थोड़ा एकदम क्लीन निकल कर आए। बस इस तरीके से हम इस पूरी गाजर के पीस निकाल लेंगे।
इस तरह हमने ये काटे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम ये खीरा काटेंगे। ये वाला पार्ट हटा देते हैं और बस यूं दबा दबा के ये इस तरीके के हम ये पीस निकाल लेंगे और बस इसका आपका इतना बढ़िया सा सैलेड तैयार हो जाएगा। ये आप चाइनीज कोई भी डिश बना रहे हैं उसके साथ तैयार होगा। तो बस इसको भी हम पूरे खीरे को इसी तरीके से कट कर लेते हैं। देखें हमने खीरे के पीस इस तरीके से दोबारा फोल्ड यूं मोड़ के रख दिए हैं बस। और आप देखें जरा सा हम इस पे ये हरा धनिया डाल देते हैं, आधा हमने नींबू काट के यहाँ रख दिया है, इसके ऊपर ये टमाटर रख देते हैं। तो ये हमारे दो या तीन तरीके के सलाद बनाए हैं हमने, तो ये आप ज़रूर से फॉलो करें, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने सबसे आसान से रख दिए हैं, आपको ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़ें और हमारे इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर, अच्छे अच्छे कमेंट करने भी ना भूलें। और आप इसको डाउनलोड भी करें और अपने चाहने वालों में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।